बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, मतलब जो हमारी डेली व्लॉगिंग तो बीच में स्किप हो गई थी, और जिसके कारण काफ़ियों के कमेंट्स आए कि भाई कहाँ गायब हो, कहाँ गायब हो। तो यार कहीं गायब नहीं हूँ, तो घर पे ही हूँ, और ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। बट ये था कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, बिजी हो गए थे ना, क्या बोल रही है, लेजी हो गए थे। लेजी नहीं होता, मैं एक्चुअली बिजी हो गए थे। तो यार बिजी हो गए थे, बता देता हूँ कि कहाँ पे बिजी थे हम। तो पहले ये वाली वीडियो देख लो आप। तो लगभग 11 बजे हैं रात के, और आप शक्ल देख सकते हो यार 12 बजे हैं कसम से। ऐसा लग रहा है कि कोई, तो ऐसा लग रहा है कि अभी कोई मैं लेबर का काम करके आऊँ, तो वो लिटरली सच बात है। तो एक दो दिन में यहाँ पे पक्का हो रहा है रोड, और उससे पहले हम अपनी टेंशन है वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो जो बारिश का पानी वगैरह होता है वो ड्रेन सिस्टम में जाएगा, उसके लिए मेहनत हो रही है अभी बाहर। चलो मैं दिखाता हूँ रात को क्या कर रहे हैं 12 बजे। ये देखिए, ये लगा रहा आपको 11 बजे का काम। ये क्या कसम से है, ये तो तगड़ी फिटिंग हुई, बड़ी फिटिंग, ये पूरा घुस गया, रस्सी लगा देते हैं सनी, रस्सी लगा। नहीं भाई, ये जरूरत है बे, ये नहीं इसको जरूरत भाई, आपके जरूरत है, अपनी जरूरत है। पूरी तो ये है ड्रेन की पाइप, क्योंकि बारिश का पानी सारा यहाँ से जाएगा और उधर से जो ड्रेन बनी है उसमें जाएगा। तो कल परसों यहाँ पे ये पक्का हो जाएगा रोड का काम, इसलिए खुद की सरदर्दी ली है। और तो यहाँ मेरे बड़े भाई देखो जब्बल लेके बड़े, तो ये पिछले कल की वीडियो थी जहाँ पे हम रात को रोड में काम कर रहे हैं, बिकॉज जो पता है आपको प्रोटेस्ट किया था कुछ टाइम पहले, उसके बाद टायरिंग हुई थोड़ी, बट अब जो फाइनल टायरिंग होनी थी वो अब थी, अब 2-4 दिन बाद होनी थी। बट उससे पहले क्या था कि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बनना था, तो ड्रेन उधर से राइट साइड से, लेफ्ट साइड से बन रही है हमारे घर के सामने वाली से, तो आपका जो बारिश का पानी वगैरह है तो वो एक नाली के थ्रू हम उसमें डालेंगे बारिश का पानी, और कई बार बाहर हम जैसे कोई भी आंगन वगैरह धोते हैं उसका पानी तो वो जाएगा उसमें। तो उसके लिए खुद से पाइप डलवा रहे थे, तो उस चक्कर से ना बहुत बिजी थे यार इतने दिनों से, और रोड का कार्य जितना भी था, नालियों का ये वो, अब प्रोटेस्ट हमने स्टार्ट किया था तो हमारी जिम्मेवारी थी, जिसके कारण ब्लॉग नहीं बन पाए मेरे। बट अब ऐसा नहीं है, बस अब फ्री हैं, तो एक दो दिन बाद टायरिंग होना स्टार्ट भी हो जाएगी। तो फाइनली बहुत दिनों बाद मिल रहे हो, कैसे लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा यार। तो मैंने जैसा कि आपको सुबह बताया था कि बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो अभी आज का भी ब्लॉग मुश्किल था बनाना, बट क्या करना, बनाना तो था, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए थे आप लोगों के कि भाई कहाँ हो यार, कहाँ गायब हो चुके हो, तो आपके लिए तो करना पड़ेगा। और मैसेजेस आए मुझे भी, क्या इंस्टाग्राम पे, क्या मैसेज आए, वीडियोस के नहीं आ रही है इतने दिनों से, कहाँ हो, बहुत कुछ। हाँ, तो प्रकृति ने यहाँ पे काफी खूबसूरत पेंटिंग बनाई है, वाह यार प्रकृति, मुझे ना आज तक तेरी ये वाली पेंटिंग ना इतनी खूबसूरत लगी, इतनी देखो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, बट जिस दिन कंप्लीट होगी तो इसकी डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे पूरे। शिवम, शिवम से हेलो, हाय करो, हाय हाय ओ माय गॉड, शिवम आपने हाय बोला, हाय बोलो। तो हमारे बिल्कुल पड़ोस में ही शादी है, आपको अपने विंडो से दिखाते हैं। सॉरी, उन्होंने शीशे हमारे साथ, थोड़ा विंडो हमारी बाहर से गंदी हुई पड़ी है, तो ये पड़ोस में शादी है, वहाँ जाना है धाम खाने, तो धाम का टाइम हो रहा है। तो शिवम, शिवोहम, तो अभी घर पे सिर्फ मैं और शिवोहम है, तो हम दो के सिवाय कोई नहीं है, और मम्मा वगैरह सब शादी में चले गए हैं, और बहुत सारी शादियां यार आजकल, इतनी सारी शादियां हैं कि क्या बताएं, और साथ में इतना काम भी है, और तो साथ में वही काम भी बहुत ज़्यादा है। तो कल बस दो दिन, और दो दिन के बाद फिर से रेगुलर हो जाएंगे। तो बस अभी मैं और शिवोहम ठाकुर हैं घर में, मस्ती कर रहे हैं, बिल्कुल कोई नहीं है हमें डिस्टर्ब करने वाला भी। तो फादर सन का एक बहुत मस्त वाला टाइम स्पेंड हो रहा है अभी। वो रखिए देखो चप्पल आपकी, उठा लो उसको, क्यों
अब इसको लग गया ना पता, तू तैयार होके जा रही है और अब रोएगा ये, पता है? नहीं रोएगा, आप इसको खाना खिलाओ। वो लग गया पता, उसको लग गया पता, लग गया लग गया लग गया। हाँ हाँ निकाल के रखो तुम, मैं कर लूंगा। अब भाई पापा को भी थोड़ी, नहीं नहीं मैंने नहीं बोला कि मैं नहीं करूंगा, करूंगा यार, बेटा मेरा है, ऑब्वियसली मैं करूंगा। दूध खुद गर्म कर लेना और इसको मिक्स कर लेना, ठीक है? और कुछ नहीं डालना है, सिर्फ दूध। अच्छा आप कहाँ जा रही हैं? मैं शादी में जा रही हूँ और पति को नहीं लेके जा रही, क्योंकि पति को धाम खाना अच्छा नहीं लगता। हाँ मुझे तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा। तो शिवोहम और मैं अकेले हैं घर में, तो शिवोहम बैठा उधर, फ़ोन दे दिया मैंने उसको, बिकॉज मेरी मजबूरी है, अगर अभी नहीं दूंगा तो ये उठेगा और बाहर अकेला घूमेगा, तो गिरने से अच्छा कि फ़ोन देख ले थोड़ी देर। तो अभी उसको मैं तैयार कर रहा हूँ, उसका डिनर तो नहीं है उसका, बस एक छोटा सा ब्रेकफास्ट है इसके लिए। तो यहाँ पे दूध गर्म कर लिया मैंने और ये है सेरेलैक। चल बेटा कैसे लगाते हैं इसको, बताइए से टाइट नहीं होना चाहिए। गुड गुड। तो अब दीदी और मम्मा सब आ चुके हैं शादी से, प्रकृति भी आ चुकी है शादी से वापस। कैसा लगा शिवम हमको मेरे हवाले छोड़ना? सिर्फ आधे आधे घंटे के लिए छोड़ा था, सिर्फ आधे घंटे के लिए छोड़ा था। चलो अब सारे कपड़े तय लगाओ। देखो और प्रकृति की ननद और यहाँ सास, सास सास संभाल के बैठ शिवोहम को संभाल रहे हैं और ननद जी हैं वो अपना वेट बढ़ा रहे हैं। मम्मा का कहना है कि जो शिवोहम जी हैं ये अब बहुत शरारती हो चुके हैं, इतनी जल्दी चढ़ जाता अब इस पे कि क्या बताएं। शिवोहम परसों मम्मा की मामा की शादी भी है आपके। प्रकृति बाकी तो ठीक है, शिवो हमको क्या सोच के पिंक पजामा लाया तुमने? कुछ भी नहीं सोचा, इसीलिए पिंक पजामा है, ज्यादा सोचा नहीं। हे भगवान। ओ गया 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 गया। मम्मी चला गया आपका पोता बाहर, चांद को देख के कहते हैं ऐसे 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 कहीं किया कैसे किया? बड़े मस्त वे में कर रही थी तो ऐसे 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 पूरे जमीन में ऐसे टच करके। सही बात है ना, पूरा साष्टांग दंडवत दंडवत प्रणाम। ये कौन रहा शिव हमें? आप मेरा? नहीं मेरा ही है। मेरा ये मेरा है बचपन का। तो जो शिव हम के पास शेरू है वो है प्रकृति का शेरू, बचपन का शेरू। चलो आपको वो राग एक गजल सुनाएगा शिव हम, गजल सुनाओ। स्टार्ट हो गया। तो नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ अद्विका। तो छोटे पापा और छोटी मम्मा भी नीचे गए हैं सोने के लिए, तो मैं ज़्यादातर व्लॉग्स में नहीं मिलती हूँ क्योंकि मेरी ट्यूशन होती है इसलिए। तो ये है थर्ड फ्लोर, यहाँ पे मैं दादा और दादी ही रहते हैं और बाकी सब रहते हैं सेकेंड फ्लोर में, मम्मा पापा छोटी मम्मा छोटे पापा और शिवो हम। काफ़ी व्लॉग बना दिया शायद से, दादी दादी भी बुला रहे हैं सोने के लिए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत एंड स्टे सेफ। जाने से इस वीडियो को जाने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। छोटे पापा के लिए ये वीडियो होगी सुबह जब वो एडिटिंग करेंगे, सरप्राइज होगा उनके लिए। ठीक है, बाय बाय, मैं चली सोने।